मेरा पप्पी लव हमको लेटर देता था, तो उसका एक महीना के बाद में लेटर मिलने के बाद में भी इतना खुश। लव इस नदी का सामने मत जाइए क्योंकि उस दिन भी बहुत बड़ा हादसा हो चुका है उसका। सोनाली अरुणाचल वाली इस सोनू जो मैम के चैनल। हाय फ्रेंड्स, आज टुडे देयर इज नो माउंटेनियरिंग का, देयर इज नो कोर्स वीडियो। टुडे विल बी अ डिफरेंट वीडियो बिकॉज टुडे आई विल बी कोलैबिंग विद अनदर यूट्यूबर। I'll be leaving with Yankee ma'am in her gaadi, but my mom is gonna come behind us in cycle mein. As bachcha leke beto ghar mein. No, today she's going to babysit the kids, so I'm going to be collabing with Yankee ma'am. She's my mom's colleague. Hello guys, welcome back to my channel. Sorry guys, ye mera channel nahi, ye hai hamari अरुणाचल, सोनाली अरुणाचल वाली। ओके, सोनाली अरुणाचल वाली की ब्लॉग, उसका चैनल का नाम है सोनू अरुणाचल वाली। आदत हो जाएगा मैडम, सोनाली अरुणाचल। क्या बोला था? इतना इजी। आपने ना पूरा अपने ब्लॉग में मुझे सोनू 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 करके ना, आदमी लोग भी मेरे को सोनू करके जानता है, बट एक्चुअल में मैं सोनाली अरुणाचल वाली। सोनू रखना था ना, इतना इजी था, सोनू अरुणाचल वाली। एनीवे, सोनाली अरुणाचल वाली का ये चैनल है गाइस। अभी हम पूरा तेजू को एक्सप्लोर करेंगे इसके चैनल के द्वारा, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे पहले से कहा कि तेजू दिखाइए, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिला। तो आज ये शुभ काम देरी ना करते हुए अभी शुरू करते हैं। और मेरे सब्सक्राइबर है, प्लीज़ हमारे सोनाली अरुणाचल वाली को ढेर सारा प्यार दीजिएगा बाय सब्सक्राइबिंग हर चैनल। एंड लिंक तो मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ये मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद ये वीडियो अपलोड होगा। तो गाइस चलिए घूमते हैं और तेजू एक्सप्लोर करते हैं विद सोनाली अरुणाचल वाली। जाएंगे कैश लाइव विद यांकी के गाड़ी से हमारे अरुणाचल और सोनाली अरुणाचल वाली के साथ। तो बेबी सिटर, अरे बेबी सिटर क्या हो गया? नहीं निकले अभी, अभी तक नहीं निकले, अभी निकलेगा। अब अच्छे से खाना सब्जी बना और नोनो अपूचू का अच्छे से बड़े अच्छे से ध्यान रखना। हाँ ले लो दीदी का आशीर्वाद। बाय। तो अभी हम लोग है, मैम इज राइट देयर, वी आर एट वन ऑफ द एंट्रेंस जहाँ से हम तेजू एंटर कर सकते हैं लोहित डिस्ट्रिक्ट। देर आर थ्री रूट्स, सो वी आर एट वन ऑफ द रूट विच इज क्लोजर टू अस। ये रास्ता जो आ रहा है, this is coming from Namsai district which is more closer to Assam. Behind me there are two roads, this side is towards Teju side and that side is towards Roing. So abhi Roing, Mekka and Pasighat is through that turn, and Teju which is 17 kilometers from here we have to take a right turn. And this is just a stop jahan pe people who are traveling winger Tata Sumos, they come and they can have a quick meal. That road is going toward Pasighat. हमको लेना है यहाँ से right turn. रहा है तेजू का रास्ता, तेजू का रास्ता एंट्रेंस, हमारा चेक गेट यहाँ पे। जैसे यहाँ से ब्रिज खत्म होता है there's a turn. वो रास्ते से आया है, we have taken a turn and now we are going in. कथा बागान जो डिगारू में है, so this is the place, this is a picnic spot. यहाँ पे बहुत लोग आते हैं for picnic, even we come, हमारा family आता है, and जो लोग दूसरे district के हैं, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट, इवन आसाम से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे picnic के लिए। पहले तो सिर्फ winter time में आते थे, but now even summer time they come. It's a very nice place. Side में पानी भी है, and अभी अभी मैम ने मुझे ये news दिया है कि people call it mini Switzerland also. कथा ट्री विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, यहाँ पे लोग स्मगल भी करते हैं, इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। जो आपका पेंट में कलर जो यूज़ होता है वो इसी से आता है, स्पेशली द प्राइमर जो वुड पेंट ये सब में रेड कलर का, सो इट इज़ ये है उसका पेड़, इससे आता है। एंड पीपल हु ईट तामुल पान, जो पान खाते हैं उसमें कथा डालते हैं, वो भी इसी से ही आपको कलर मिलता है। तेजू एयरपोर्ट जो मैम के लिए भी फर्स्ट टाइम है, सो वी आर गोना शो यू द तेजू एयरपोर्ट राइट नाउ। हम है द इन तेजू के एंट्रेंस में, सो द स्ट्रेट रोड विल गो टू तेजू एयरपोर्ट एंड द राइट साइड विल गो टू तेजू। तो सबसे पहले हम थोड़ा तेजू एयरपोर्ट में घुस के आएंगे। एयरपोर्ट वी एंटर फ्रॉम हियर एंड बट द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, नया बिल्डिंग वहाँ बन रहा है, वो अभी ओपन नहीं हुआ है।
एयरपोर्ट को स्टार्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है एंड कनेक्टिविटी इस एयरपोर्ट से इट्स तेजू गुवाहाटी एंड तेजू डिब्रूगढ़, इवन मणिपुर इम्फाल भी है। दिस इज द न्यू बिल्डिंग, यहाँ पे एक्चुअल एयरपोर्ट बन रहा है, अभी तक फंक्शनल नहीं है। सो ये है तेजू का हवाई अड्डा। थोड़ा सफाई का जरूरत है। विद्यालय, यहाँ का सेंट्रल स्कूल, स्कूल में मैं भी पढ़ चुकी हूँ बचपन में व्हेन आई वाज स्टेइंग इन तेजू, उसके बाद में बैंगलोर में शिफ्ट हो गई। बट या मी एंड माय ब्रदर वी हैव डन आवर स्कूलिंग हियर, वी आर सेंट्रल स्कूल प्रोडक्ट्स। सो एंटर किया है, वी हैव आस्क्ड परमिशन फ्रॉम द गार्ड, ही हैज अलाउड अस। दिस इज द व्यू फ्रॉम हियर, ओपन जिम, ग्रेट। Okay, so this is the school, हमारा बचपन का स्कूल। एंड आई रिमेम्बर इधर में लाइब्रेरी था, यहाँ पे सारे क्लासरूम्स, यहाँ से एंट्रेंस एंड इस साइड में ऑल द स्टाफ रूम, प्रिंसिपल्स रूम, ऑल द एडमिन ब्लॉक इस साइड में होता था। स्कूल के पीछे में दिस ग्राउंड ऐसा नहीं था, इसमें कम घास था एंड देर वॉज दिस ह्यूज, वेरी ह्यूज ट्री जो किस तूफान में, कुछ तूफान आया था एंड वो गिर गया था और हम सब बच्चे लोग वो पेड़ के ऊपर में खेलते थे। ऐसा नहीं था वो जगह तभी। एंड वहाँ पे और एक पुराना बिल्डिंग था स्कूल का, आई थिंक दे हैव डेमोलिश्ड इट राइट नाउ। और उसके इसके पीछे में यू हैव द स्टाफ क्वार्टर। नेक्स्ट वी आर एंट्रिंग IGGC कॉलेज, इंदिरा गांधी 86, एस्टैब्लिश्ड इन 86। एंड दिस साइड वी हैव द कॉलेज ग्राउंड, लाइब्रेरी। ओ यहाँ पे अभी भीड़ लगा है क्योंकि इग्नू एग्जाम चल रहा है। या दिस द ऑडिटोरियम, ये है यहाँ का पुराना बिल्डिंग। मैं इस कॉलेज में पढ़ी नहीं हूँ बट माई मॉम एंड माई मौसी, मैनी ऑफ माई रिलेटिव्स यहाँ पे पढ़ाई किया है इन्होंने। Yep, here is the canteen and this is the new block, the administrative block. और यहाँ पे और भी नए बिल्डिंग बन रहे हैं। ये हमारा गैस एजेंसी भी है तेजू का। थोड़ा पूछो तो गैस मेरा खत्म हो गया। पूछना पड़ेगा? हाँ पूछो तो मिलेगा क्या वो भैया से? Yes. पैसा देगा ना? एक्स्ट्रा पैसा? मिला मैडम कोई लक सिलेंडर? नहीं मिला, एक्स्ट्रा पैसा देगा बोले नहीं बात है। Entering हमारा लामा कैंप, सो दिस इज द टिबेटन सेटलमेंट। तो ये कैंप में देर आर फाइव कैंप, पाँच कैंप है। सो द फर्स्ट कैंप जो हमको मिलता है दैट इज कैंप नंबर 5, दिस इज द एंट्रेंस। एंड यहाँ पे पुराना मंदिर है, हम भी आते कभी कभी यहाँ पे मंदिर में पूजा दर्शन देने के लिए। We are going through camp number 4. पे स्कूल भी है इनका, संबोधा टिबेटन स्कूल तेजू। In settlement somewhere there is going to be lama camp, and if there is lama camp there is going to be a gompa or a mandir there. So this is a very beautiful monastery what we have here. तो अंदर का हम आप लोग को थोड़ा सा टूर देंगे, और बहुत गर्मी है आज तो। ये है यहाँ का monastery, ये है पुराना वाला मंदिर। मंदिर के अंदर भी जाना था, अंदर दिखाना था, बट हम लोग अभी ऐसे टाइम में आए हैं कि लंच टाइम है, मंदिर इज ऑल्सो क्लोज, सो मे बी नेक्स्ट टाइम। दिस इज कैंप 1, यस। मोटर है और यहाँ पे पूरा पाइप्स लगाए क्योंकि घरों में पानी यहीं से जा रहा है लामा कैंप में, तो ये जगह ज़्यादा गंदा नहीं करना है अगर कोई आता है तो। मैम यहाँ बैठी हुई है और पानी भी ठंडा ठंडा है। कैंप में और भी दो चार लोकेशंस है वेयर गर्म दिन में ना हम लोग जाते हैं नहाने के लिए। It's called as Dangre Baba. Dangre Baba in that location. लोग जाते थे पूजा करने के लिए, हम भी बहुत बार जा चुके हैं। सो जब ये जगह को डिसमेंटल कर रहे थे, पीपल हैड मिक्सड इमोशंस, बट वॉट टू डू,
वो जो लोकेशन है इट वॉज क्वाइट रिस्की, इट वॉज इन अ टर्न, बहुत एक्सीडेंट्स होते थे वहाँ पे एंड होने के चांसेस थे, सो दैट्स वाई दे हैड टू डिसमैंटल, एंटर कर रहे हैं. सो बिगिनिंग में वी हैव आवर जोनल हॉस्पिटल, हैव आवर पेट्रोल पंप दिस साइड. अयो लीची है, हम तो लीची लिख के आ रहे हैं. ओह मैम फाइनली लीची ढूंढ ढूंढ के. द सेंटर ऑफ तेजू टाउन एंड ये हमारा घंटा घर है. घंटा घर के सामने में वी हैव a bus stand here, we have winger stand, we have the market, so this is a very prime location. यहाँ पे सब लोगों को cross and pass करना ही पड़ता है अगर तेजू से कहीं ऊपर जाना है, so you have to cross this place. तो ये यहाँ का landmark है, the Teju Tower. We are going straight. And इस side में market, एक आगे से U-turn मार लेते हैं. This side, we are taking a right turn here. इस रास्ते में वी गेट ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेस, एसपी ऑफिस, आवर न्यू डीसी ऑफिस, उसी के बगल में वी हैव आवर पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस के इस रास्ते के अंदर में यू हैव द एसबीआई बैंक, रोहित हाउस, डीसी का बंगलो यहाँ पे है एंड उसके पीछे है हमारा एसपी का बंगलो. वी हैव द सर्किट हाउस हियर, अपर प्राइमरी स्कूल 1989. ये बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन है बट इट इज सो ब्यूटिफुल, इट इज अनलाइक अदर बिल्डिंग्स. मम्मी लोग मासी लोग ये स्कूल में पढ़ चुके हैं, दे हैव गुड मेमोरीज, फाउंड मेमोरीज ऑफ दिस स्कूल. हम आए हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, नाउ वी आर एट हायर सेकेंडरी. दिस वॉज द ऑडिटोरियम, एज यू कैन सी द बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड, अभी कुछ ज्यादा इसका मेंटेनेंस हुआ नहीं है. But I'll still be showing you guys inside. यहाँ का फ्लोरिंग इज ऑल्सो वुड का, हर जगह खंडर जैसे हो गया है. स्टिल ब्यूटिफुल. प्रेजेंटली यहाँ पे नया बिल्डिंग बन रहा है ऑडिटोरियम के अंदर में. मम्मी लोगों ने भी बहुत डांस किया है ये स्टेज में. 80s एंड 90s जब मम्मी लोग जब उनका स्कूल टाइम एंड कॉलेज टाइम होता था, मोबाइल ना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं, सो मैम भी बात शेयर कर रही है. मैम क्या क्या होता था उस टाइम पे? मेरा पप्पी लव हमको लेटर देता था, तो उसका एक महीना के बाद में लेटर मिलने के बाद में भी इतना खुश, लव का याद आ गया. तो पप्पी लव लोग का लेटर, जैसे कि हम लेटर भेजते हैं उसका रिप्लाई ना, तो रिप्लाई तो 20-30 डेज के बाद जाता है, तो वही एक्साइटमेंट से वो पढ़ता है फिर उसका लेटर. मतलब अब एक एक अभी आजकल का तो व्हाट्सएप में क्या था, हाई हेलो एक बार में मिल जाता है ना, उस समय एक लेटर का रिप्लाई मिलने में आप वो भी इतना प्योर लव विदाउट टच. ओह माय गॉड, अभी तक उसे मैंने नहीं छुआ. लास्ट ईयर ही शादी हुआ है मेरा पपी लव का. मेरा वो मेरा ब्लॉग भी देखता है आपका वो पपी लव, ये बात सुने और वो डेफिनेटली स्टिल आई लव हिम प्योरली, जैसे पहले छोटा में प्यार करता था, प्योर लव ना, इनोसेंट, इसी तरह सेम पपी लव, दैट्स कॉल्ड पपी लव, दैट्स कॉल्ड पपी लव, नॉट अ सिंगल उम्मा. और अभी का क्या है, अभी तो इतना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब आ गया, आजकल का तो हुक सिस्टम हो गया ना, हुक अप सिस्टम, हुक अप सिस्टम, उस समय का तो इतना प्योर था. और वी हैव सो मच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन राइट नाउ, लाइक यू नो इमीडिएटली आप किसी को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बट अभी हम लोग ऐसे है कि इमीडिएट मैसेज में मिल जाता ना, हम लोग इग्नोर मार देता है, देख के इग्नोर मार देता है, बात ही नहीं करना है, बात करने तब भी रिप्लाई जाएगा. हमारे तेजू का अमिक रिंगिया हॉल, दिस इज अ कम्युनिटी हॉल, ऑल्सो अ न्यू बिल्डिंग. कुछ अगर कल्चरल प्रोग्राम, एनीथिंग टू डू विद द कम्युनिटी, एक बार तो मूवी भी दिखाया था यहाँ पे, विच इज़ अ लोकल मूवी, तो ये सब इस हॉल में होता है. गेट बंद है लेकिन हम बाहर से दिखाएंगे, हॉल बड़ा है. एनफ फॉर द टाउन, वी आर एट जुबली फील्ड. यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, परेड्स, फुटबॉल मैचेस, क्रिकेट मैचेस, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, एवरीथिंग हैपेंस हियर. अभी रिसेंटली इसके बाहर में दे हैव मेड दिस ओपन जिम, सो नाइस. अभी तो तेजू के बहुत सारे लोकेशंस में यू हैव दिस ओपन जिम्स. आप किधर जा रहे हैं मैम? आरटीसीएम स्कूल, हंसक शोस चाय मेमोरियल स्कूल, ये रहा यहाँ पे. सो दिस इज TCM स्कूल, यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे मेरी मम्मी पढ़ाती है. वहाँ पे पूरे क्लासरूम्स है, इस साइड में भी क्लासरूम है, स्टाफ रूम इज ओवर हियर. यैंकी मैम हु इज ड्राइविंग मी अराउंड फुल डे, सो स्वीट ऑफ हर, शी इज ऑल्सो टीचिंग हियर, सो शी इज माई मॉम्स कलीग. एंड
इनके चैनल में भी मैं बहुत बार आ चुकी हूँ एज यू नो ड्राइवर असिस्टेंट कैमरा गर्ल. तो मैंने भी बहुत इस जगह में इवन आई हैव डन लॉट ऑफ एक्टिविटीज. पर अभी तो हम तेजू में बैठते नहीं है, कभी कभी तो आना नहीं होता है. सो दिस इज आवर इनफेमस तेजू नाला. पहले पूरा दिस जमीन यूज टू गो टिल देयर, वी कुड ड्राइव टिल देयर, बट पानी इतना ज़्यादा फ्लो हो गया कि वो पूरा मिट्टी और ज़मीन को ले 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 लेके चला गया. इवनिंग को यहाँ पे बहुत लोग बैठते हैं, रिवर आप देखते हैं पूरा डाइवर्जन हो गया सो ड्यू टू सॉइल इरोजन. उस दिन ही यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है ना, तो सुंदर आने से नहीं हुआ ना, हम भी आना है ना. हम मैम अपने आपको देख ही नहीं रहा. सो गाइस ये पीछे का देख रहे हैं, दिस इज क्या है तेजू नाला ना. तेजू नाला. आप लोग जितने भी हमारे तेजू के जितने भी सदस्य देख रहे हैं स्पेशली टीनेज बच्चे लोग प्लीज अब यहाँ मत आइए, क्योंकि उस दिन ही बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है. मैं कवर अप करने के लिए सोची थी बट नहीं हो पाए ड्यू टू माई डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स. ये कलवर्ट में आके बेच सकते हैं, हवा ले सकते हैं, बट आप लोग प्लीज़ नदी का सामने मत जाइए क्योंकि उस दिन भी बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, उसका डेड बॉडी भी अभी तक नहीं मिला है. तो आप लोग को हाथ जोड़ के आप लोग प्लीज़ यहाँ मत आइएगा नदी के किनारे में. ओवर टू आवर सोनाली अरुणाचली वाली. यप, आई एम फाइनली बैक होम. मैम भी अभी घर आ चुकी है, हमारे घर में ही है. उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ा था, अपचुंग एंड नोनोंग को. एंड आपको मेरा फेस देख के पता चल रहा होगा हॉट इट इज. नोनोंग घुटना से कर रहा है. हाँ ओके. खतरा. ये जो जो रिकॉर्डिंग वाला है उसको भी सरप्राइज कर लो और हम लोग को. हाँ क्या बोला है? हाँ खेलना खेलेगा और बहुत करना है और वही तो फाइनली वी आर इन द डाइनिंग टेबल विद आवर सोनाली अरुणाचल वाली. अरुणाचल वाली उसके बाद में मम्मी इधर नॉन मॉम दीदी दीदी. अभी आप जितना भी यहाँ पे सब खाना पीना है क्रेडिट गोज टू देम. थैंक यू, दिल से थैंक यू. अभी हम यहाँ आनंद करेंगे. सरस्वती ने भी बनाया. थैंक यू सभी को. थैंक यू. सो आप लोग जा सकते हो, आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग गेट लॉस ना. थैंक यू. तो उन्होंने लंच कर लिया है. हमारा आज आउटिंग हो गया है. आज हमारा मेन फोकस था टू शो द तेजू टाउन अराउंड सम ऑफ द स्पेसिफिक प्लेसेस, क्योंकि हम लोग तेजू 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 बोलते रहते हैं. But we had to show why Teju is so special for us. So हम लोग का वही एजेंडा था. एंड फॉर दोज पीपल जो तेजू छोड़ के जा चुके हैं फॉर एनी रीजन, या फिर उनका ट्रांसफर हो गया, पोस्टिंग हो गया, जो बहुत पुराने पुराने लोग थे, सो इट इज फॉर देम ऑल्सो टू रीलिव द मेमोरी एंड सी द प्लेसेस वंस अगेन. ओके, तो यही मैं बोलना चाहती हूँ. मैं भी जाने वाली हूँ, एक दो महीना में चली जाऊंगी, होगी चला जाएगा होगा पासीघाट में, मे बी और मे नॉट बी. तो मेन खासियत तेजू का ये है कि गाइस मतलब हम सोनाली लोग तो सोनू तो छोटा सा यहीं पे है ना, मेरा आने वाला लगभग यहाँ 3 साल हो गया है. तो यहाँ पे मेन चीज हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, ये पोल्यूशन फ्री जोन लगता है हमको ये, और इतना स्पेशियस है, नो ट्रैफिक, और क्वार्टर का स्पेस भी इतना ज्यादा है, बगान करने के लिए भी इतना ज्यादा, और इतना शांति, यहाँ के लोग इतना शांति है, इतना शांति है. बहुत अच्छा लगा मुझे तेजू, बहुत अच्छा लगा. बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि एक्सप्लोर करूं, लेकिन मेरा कुछ डोमेस्टिक रीजंस के वजह से मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई. तो आप लोग जरूर आनंद लिया होगा अभी जितना भी वीडियोस देखा है, तो उसके लिए एंड रियली जितने भी मेरे कैश लाइव विद यांकी के जितने भी सब्सक्राइबर्स है, प्लीज आप लोग जैसे भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जो हम लोग का जब जर्नी मेरे यूट्यूब का स्टार्ट हुआ था, क्रेडिट गोज टू हर ऑल्सो, उन्होंने इतना सारा कैमरा साथ में, इतना सारा कैमरामैन बन दिया, वीडियोग्राफर, एवरीथिंग, कोरियोग्राफर, एवरीथिंग, क्या बोलेगा, हर चीज. गुड डेज, ओल्ड डेज, यस. बहुत सारा आप लोगों ने मेरा वीडियो में देखा होगा, और मैंने खुद कहा कि आप भी एक अपना चैनल खोलो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर लोग था सब इसको खुलने के लिए बोला था. और बहुत अच्छा लगा ये जर्नी सोनू के साथ में भी. आपको दिल से मैं थैंक यू बोल रही हूँ एंड अप्रिशिएट भी करती हूँ कि यू कैन डू, आप कर सकते हैं. बहुत मेरे देखा आप में काबिलियत है, तो आप इसको आगे लेके जाइएगा और भी. और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है प्लीज डू सपोर्ट हर चैनल सोनाली अरुणाचल वाली. थैंक यू सो मच. नाउ आई एम गोइंग टू टेक फूड. भूख लगी है. सोनाली अरुणाचल वाली इज सोनू, जो मैम के चैनल में मुझे सोनू सोनू करके बोलते रहते हैं. कौन सोनू? आई एम द सोनू.
फ्यूचर में उन्हें ब्रेस्टर होपफुली अच्छे ब्लॉग्स लेके आएंगे। हमारे सोनाली अरुणाचल वाली और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आएंगे, आप लोग जरूर उसे सपोर्ट कीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट टाटा बाय 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 टाइम निकाला हो गया टाटा बाय बाय निकलो। थैंक यू सो मच टू वॉच माय व्लॉग्स एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग आल्सो। बहुत सारे जगह जो हम गए हम थरोली नहीं जा पाए, ऊपर से हमने दिखाया, सो दैट आप लोग के अंदर में एक जिज्ञासा उठे कि तेजू आए घूमे ये जगह, व्हाई इट इज सो स्पेशल। सो आई होप वी वर एबल टू डू दैट एंड देर आर मेनी मोर प्लेसेस, वो भी सही टाइम में हम अकॉर्डिंगली वीडियो बनाएंगे ब्लॉग्स बनाएंगे। बट हम लोग ये वीडियो बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा सा ज्यादा प्लान नहीं कर बना पाए क्योंकि मैम इज ऑल्सो लीविंग एंड मैम भी यहाँ 3 साल से है, मैं भी यहाँ पे 3 साल से हूँ, बचपन मैंने यहाँ पे गुजारा है। बट इवन आई लेफ्ट तेजू आई वेंट टू साउथ इंडिया, मैं भी 3 साल पहले आई हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत सारे जगह नए थे एंड या दैट्स इट दैट्स ऑल। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। खाली प्लीज़।